मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो करंट ट्रेंड है एंटरटेनमेंट, टेलीविजन, फिल्म्स, मैं बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। व्हाई डज अ पर्सन नीड एंटरटेनमेंट? एक बुनियादी वजह ये है कि उसे ज़िंदगी में मकसद नहीं होता। अब जब ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो ज़िंदगी का खालीपन जैसे कि काटने को आता है। अब इसमें बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो एक इंसान सफोकेटेड फील करेगा। तो ये एंटरटेनमेंट के अंदर जो चीज़ें आती है, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपने मालिक को भूल जाता है, क्योंकि मालिक को याद दिलाने वाली चीज़ें आपकी फिल्मों में होती भी नहीं है। आई एम टेकिंग ऑब्जेक्शन टू इट। जो नॉर्मल जो बात है वो उसके रोल मॉडल और आइडियल्स ये फिल्म स्टार्स हो जाते हैं। फिल्म स्टार्स जो एक ऐसी कॉम और ऐसे आप समझ लीजिए ऐसे किस्म के लोग हैं जो पैसों के लिए अपने लिबास को भी उतारने तैयार है, पैसों के लिए कुछ भी करने तैयार होते हैं, और वो लोगों के रोल मॉडल्स हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन को पूछेंगे तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगता है, तो वो एक फिल्म स्टार का नाम देगा कि मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ उसे एहसास नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है। उसे हम देखते हैं कि ऑब्सिनिटी और कई सारे रॉन्ग चीज़ें, अल्कोहल, हीरोज शराब पीते हैं, तो क्या गलत है? ये नहीं बताया जाता है कि शराब से कितनी सारी बीमारियां होती है, शराब से कितने सारे घर बर्बाद होते हैं, कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कितने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऑफकोर्स ये चीज़ का सही इस्तेमाल हलाल होगा और गलत इस्तेमाल हराम होगा।